यह तो तभी तय हो गया था कि इसराइल पलटवार करेगा जब ईरान ने उस पर ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन पलटवार कब करेगा, कैसे करेगा, किस जगह करेगा, इसके बारे में डेनियल हगारी जो आईडीएफ के प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से यह कहा गया कि यह सब हम तय करेंगे, जगह हम तय करेंगे, वक्त हम तय करेंगे और हमला कैसे करना है यह भी हम तय करेंगे। यह क्यों कहा गया, इसके पीछे है इसराइल का पहले किया गया काम, क्योंकि इसराइल के पास जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए ईरान के कुछ ऐसे ठिकानों की पूरी जानकारी है जिसके जरिए वो जब चाहे जैसे चाहे यहां पर हमला कर सकता है और वहां पर तबाही फैला सकता है। आइए रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ईरान के खिलाफ जंगी बिसात बिक चुकी है, अब की बार ईरान में मचेगा हाहाकार। अमेरिका को मिल गया मौका, ईरान पर कसेगा नया शिकंजा। तेहरान को जलाने का इंतजाम पूरा हो चुका है, बाइडेन ने ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की कसम खा ली है। अमेरिका ने इसराइल के हथियारों के गोदाम ठसाठस भर दिए हैं, तो क्या इस बार जंग में अमेरिका इसराइल के पीछे नहीं बल्कि साथ में खड़ा होगा, साथ में युद्ध लड़ेगा और इसराइल के साथ में मिलकर ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेगा। अरब में छिड़े महायुद्ध पर सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका ने साफ कहा कि सुरक्षा परिषद के लिए ये ईरान के खिलाफ बोलने का वक्त है। अमेरिका ने ताल ठोक कर कहा कि वो पूरी तरह से इसराइल के साथ है। अमेरिका ने ईरान के आईआरजीसी पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा। अमेरिका ने ईरान को मौजूदा हालात के लिए जवाबदेह ठहराने का प्रस्ताव रखा। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान हमास को फंडिंग करता है, ईरान शिपिंग नेटवर्क को अस्थिर करने के लिए हूतियों का समर्थन करता है। अमेरिका ने ईरानी सेना आईआरजीसी पर हिजबुल्ला को मदद का आरोप लगाया और कहा कि आईआरजीसी ने परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन किया है। सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका ने ईरान को साफ तौर पर चेता दिया कि हालात से खिलवाड़ मत करो। Because I remember we negotiated a similar strike on the West Coast before, and they worked it out. It's time they won't even talk. So let's get that done. ईरान ने इसराइल के खिलाफ जो जंग छेड़ी है उसका नतीजा क्या होगा? ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को भी है और नेतन्याहू को भी है। ईरान जानता है कि उसके पास इसराइल की मिसाइलों को रोकने की ताकत नहीं है। ऐसे में जब जब इसराइल तेहरान पर बेहिसाब बारूद बरसाएगा तो पूरा तेहरान धुआं धुआं हो जाएगा। दो दिन पहले ईरान ने इसराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ दाग दी थी। खामेनेई ने सोचा था कि उनकी 200 मिसाइलें तेल अवीव में तबाही मचा देंगी, तेल अवीव कब्रिस्तान बन जाएगा, लेकिन 200 मिसाइलों के हमले में मरा सिर्फ एक आदमी और वो भी इजरायली नहीं बल्कि फिलिस्तीनी। अब ईरान दहशत में है, इजरायल के जवाबी हमले के खौफ में खामेनेई की रातों की नींद गायब है, लेकिन हमलों का फौरन मुंहतोड़ जवाब देने वाला इजरायल दो दिन बाद भी चुप है। हालांकि नेतन्याहू ने इशारा कर दिया है कि ईरान ने जो जंग छेड़ी है वो इजरायल खत्म करेगा, वो भी तेहरान में तबाही का तूफान मचाकर। ईरान को इसराइल से ज्यादा खौफ अमेरिका से है, जो ईरान को चारों तरफ से घेर कर बैठा है। इसीलिए खामेनेई बौखलाए हुए हैं और अमेरिका को अरब की धरती से हटने के लिए उस पर हालात खराब करने के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। शरشون را از این منطقه کم بکنن بدون شک این درگیری ها این جنگ ها این برخورد ها به کلی از بین خواهد رفت و کشورهای منطقه میتونن خودشون رو اداره کنن، منطقهشون رو اداره کنن. حالانکه امریکا پر ایران کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، امریکا نے اسرائیل کے ساتھ مل کر کمر توڑ پلٹوار کا اشارہ کر دیا ہے۔ امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کے روزویلٹ روم میں ہائی لیول میٹنگ بلا کر اسرائیل کو فل سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ بائیڈن نے اسرائیل پر ہوئے حملے کی قیمت तेहरान से वसूलने की धमकी देने के साथ खाड़ी के सभी यूएस बेस पर हाई अलर्ट कर दिया है।
माना जा रहा है कि इसराइल के साथ मिलकर अमेरिका खाड़ी में नए वॉर प्लान पर जल्द एक्शन ले सकता है। Word fog of war was invented for a situation like this. This is a fluid situation. We will consult with the Israelis on next steps in terms of the response and how to deal with what Iran has just done, and we will continue to monitor for further threats and attacks from Iran and its proxy. ईरान के साथ युद्ध का दम भरने वाला ताकतवर तुर्की भी अमेरिका के वॉर जोन में आने से दहल गया है। तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान को डर सता रहा है कि ईरान के बाद उनका ही नंबर है। तुर्की की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अर्दोगान ने अंकारा में अपने भाषण में ये डर बयां किया। अर्दोगान ने नेतन्याहू को डायरेक्ट धमकी देकर तुर्की को टारगेट बनाने से पहले 100 बार सोचने के लिए कहा है। İsrail'i durdurmalıdır. İslam dünyası aynı şekilde vatan savunmasında mutlaka Lübnan halkı ve hükümetinin yanında olmalıdır. Biz Türkiye ve Türk milleti olarak bu zor günlerinde संयुक्त राष्ट्र के मंच से नेतन्याहू ने ईरान को पहले ही चेतावनी दी थी कि इजराइल पर हमला करना ईरान की सबसे बड़ी भूल होगी। बावजूद इसके ईरान ने इजराइल को दहलाने की कोशिश की, लेकिन अब हमले की बारी इजराइल की है और झेलने की बारी ईरान की।